अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हदीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मदीन और आज की इस वीडियो में लेटेस्ट टेक न्यूज़ शेयर करूंगा आप लोग साथ। कुछ प्राइस अपडेट्स हैं और कुछ अपकमिंग डिवाइस की बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे प्राइस चेंज अलर्ट की। आज हमारे पास Realme GT मास्टर एडिशन का प्राइस चेंज अलर्ट है। जैसा कि मैंने शेयर किया था अपनी कम्युनिटी पोस्ट में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, 67,000 रुपीस से 64,000 रुपीस का हो चुका है GT मास्टर एडिशन 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरियंट। और इसका जो 8GB रैम 256GB रोम का वेरियंट है वो 73,000 रुपीस से 70,000 रुपीस का हो चुका है। तो 3,000 रुपये का यहाँ पे कम किया गया है और 4,000 रुपये 8128 के अंदर कम किए गए हैं। काफी बड़ा प्राइस कट लगाया गया है, वो भी इस दौरान जबकि प्राइस इंक्रीज हो रही है। डॉलर एक्सचेंज रेट काफी ऊपर चला गया है, रिसेंटली सबसे हाईएस्ट सतह पे पहुंचा है 186 की, जो कि अभी तक की सबसे हाईएस्ट है। तो अभी देखते हैं अभी मजीद प्राइसेस क्या चेंज होती हैं, किस किस मॉडल की इंक्रीज होती हैं। इसके अलावा बात करते हैं रिसेंट लॉन्च फोन में, हमारे पास कुछ नहीं है आज। इसके अलावा अपकमिंग डिवाइस की बात करें तो अपकमिंग में सबसे पहली ओप्पो F21 Pro है, जो कि 11 अप्रैल को पाकिस्तान में ऑफिशियल लॉन्च होने जा रहा है। इससे पहले हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है ओप्पो F21 Pro पे, तो उस पर आपको तमाम डिटेल स्पेक्स मिल जाएंगी। हाईलाइट्स की अगर यहाँ पे बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट किया जा रहा है वो उसके डिज़ाइन को हाईलाइट किया जा रहा है। 32 मेगापिक्सल के सेंसर को यूज़ किया जा रहा है, सेल्फी कैमरा लगाया गया है IMX709 का, जो कि एक फ्लैगशिप लेवल का सेंसर है। और इसके अलावा इसके माइक्रोस्कोप कैमरे को हाईलाइट किया जा रहा है, जो कि बहुत डिटेल में बहुत करीब से पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप इसको कपड़े के ऊपर रखे करेंगे तो एक एक धागा तक नजर आ रहा है इस वीडियो के अंदर, कुछ नजर आई हैं। सोशल मीडिया भी हाईलाइट चल रही है। जैसे यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे मैक्रो कैमरा लगाया गया है, 30x माइक्रोस्कोपिक यहाँ पे जूम मिलेगा आपको। और इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर यहाँ पे मिलने वाला है। 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग होगी 4500 mAh की बैटरी के साथ। और जैसे मैंने आपको बताया 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे को हाईलाइट किया जा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा जो इसका डिजाइन है वो हाईलाइट किया जा रहा है। इसके साथ यहाँ पे आपको बैक साइड पे फाइबर ग्लास लेदर मिल रहा है बैक साइड पे, जो कि बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है। टेक्सचर डिजाइन है, फ्लैट एजेस यहाँ पे आपको मिलेंगे। और इसके अलावा साइड पे जो कैमरा बम्प है उसके साथ लाइटनिंग का ऑप्शन भी मिल रहा है, जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। स्लिम डिवाइस है 7.49 mm की थिकनेस के साथ, 175 ग्राम यानी लाइट वेट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो देखते हैं प्राइस क्या आती है 11 अप्रैल को, फिर अपडेट करेंगे कि अब क्या डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है, बाय करना चाहिए या फिर कोई और ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट अपकमिंग डिवाइस हमारे पास ZTE की तरफ से आ रही है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था लेटेस्ट टेक न्यूज़ में कि ZTE ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है पाकिस्तान में। यूनाइटेड मोबाइल ने असेंबलिंग प्लांट लगाया है जहाँ पर ZTE के फोन भी मेड इन पाकिस्तान या असेंबल इन पाकिस्तान फोन अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये पहला फोन लॉन्च कर दिया गया है ZTE की तरफ से, V30 बीटा के नाम से, ब्लैड V30 बीटा है। ये 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है और ये पहला फोन है जो कि असेंबल इन पाकिस्तान होगा। अभी ऑनलाइन अवेलेबल किया गया है, ऑफलाइन मार्केट में भी जल्दी आ जाएगा, हो सकता है जल्दी कल परसों में आ जाए स्टॉक। और प्राइस रखी गई है 26,700, 26,700 रुपए की प्राइस के अंदर 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट ZTE ब्लैड V30 बीटा। और यहाँ पे अगर स्पेक्स की बात करें तो यहाँ 6.8 इंचेस का HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलने वाला है IPS पैनल के साथ, और इसमें आपको 16 मिलियन कलर्स का ऑप्शन होगा। वाटर ड्रॉप नॉच मिल रही है। फ्रंट की जो लुक है वो बहुत पुरानी लुक है, इस तरह के हमें पुराने फोन देखने को मिलते थे वीवो की तरफ से, काफी पुराने वीवो Y1S वगैरह टाइप का फोन लग रहा है। काफी बड़ा यहाँ पे नॉच का एरिया भी होगा, चिन का एरिया भी काफी बड़ा है, वाटर ड्रॉप नॉच मिल रही है। और डिस्प्ले की तरफ से भी कोई ज्यादा यहाँ पे अच्छा डिस्प्ले नहीं दिया गया, HD प्लस रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है 26,700 रुपए की प्राइस के अंदर। इसके अलावा परफॉर्मेंस साइड से भी इतना ज्यादा कोई यहाँ पे आपको हाईलाइट्स नहीं दी गई। यहाँ पे UNISOC 9863A की चिपसेट यूज़ की गई है, जो कि एक लोअर एंड के डिवाइसेस के अंदर यूज़ की जाती है। ऑक्टा कोर CPU होगा 1.6 GHz का, GPU भी यहाँ पे IMG का GA8322 का GPU मिलने वाला है, जो कि कोई खास ग्राफिक्स प्रोवाइड नहीं करने वाला। तो ये एक एंट्री लेवल की डिवाइस है, लेकिन ZTE के ब्रांड नेम की वजह से थोड़ी सी महंगी लॉन्च की गई है। लेकिन जो हमें चिपसेट है, ये जो डिस्प्ले है, ये टेक्नो इन्फिनिक्स की तरफ से बहुत कम प्राइस के अंदर मिल रहा होता है इसके मुकाबले में। 48 मेगापिक्सल का कैमरा होगा बैक साइड पे, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा यानी ट्रिपल कैमरा सेटअप है बैक साइड पे। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगाया जाएगा, 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन कोई फास्ट चार्जिंग आपको नहीं मिलने वाली यहाँ पे। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड मिल रहा है यहाँ पे, तो कोशिश करेंगे जैसे ही मार्केट में स्टॉक आता है तो उसको अनबॉक्सिंग भी करें। और अभी ऑनलाइन अवेलेबल है यूनाइटेड मोबाइल की वेबसाइट पे, लेकिन ऑफलाइन भी स्टॉक आ जाएगा जल्दी। तो ये पहली वो डिवाइस है जो ZTE की तरफ से असेंबल इन पाकिस्तान लॉन्च की गई है। इसके अलावा Realme 9 Pro Plus पाकिस्तान में जल्दी लॉन्च होने वाला है,
और इसी महीने में आ रहा है लेकिन डेट कंफर्म नहीं है। और यहाँ पे हाईलाइट्स की बात करें, सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ, डायमंड सिटी 920 की चिपसेट होगी, 5G चिपसेट है, पावरफुल गेमिंग चिपसेट भी आप कह सकते हैं इसको, 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस बेस करती है, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप और स्कोर्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं। एंटूटू स्कोर जो है वो 500 के तक आते हैं, तकरीबन 5 लाख के करीब इसके एंटूटू स्कोर्स हैं। और रियलमी 9 की भी कुछ लीक्स आई हैं, ग्लोबली आई थिंक लॉन्च होने जा रहा है अप्रैल 7 को, या आई थिंक इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। यहाँ पे जो स्पेक्स आई हैं वो तकरीबन जो रियलमी 9 आई पाकिस्तान में ऑलरेडी आ चुका है स्नैपड्रैगन 680 के साथ, यहाँ पे भी स्नैपड्रैगन 680 यूज़ किया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें इंप्रूव की गई हैं, जैसे 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है विद 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ, 108 मेगापिक्सल का सेंसर होगा जिसमें सैमसंग ISOCELL यहाँ पे HM6 सेंसर मिलने वाला है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और LED फ्लैश मिलने वाला है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है बैक साइड पे, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा, पंच होल के अंदर लगाया जाएगा, रियलमी UI 3.0 मिलेगा जो कि बेस करता है एंड्रॉइड 11 पे, और द बॉक्स आपको मिलने वाला है 4500 mAh की बैटरी 33W की फास्ट चार्जिंग के साथ, इसके अलावा इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। तो स्पेक्स तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है जो डिसअपॉइंट कर रही है, वो स्नैपड्रैगन 680 है। इससे पहले भी काफ़ी सारी डिवाइसेस के अंदर हम देख चुके हैं स्नैपड्रैगन 680 को, और ये मिड रेंज की प्राइस के अंदर यानी 30 से 35 हज़ार रुपये की प्राइस के अंदर हमने देखा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि रियलमी 9 का जो 4G वर्जन है पाकिस्तान में आता है तो क्या स्नैपड्रैगन 680 के साथ ही आता है या फिर किसी और चिपसेट के साथ आता है, और रियलमी 9 प्रो प्लस पहले आना है तो देखते हैं उसके बाद कुछ अपडेट्स मिलेंगे तो बताएंगे। इसके अलावा रिसेंटली वीवो ने Y33T के नाम से एक नई डिवाइस लॉन्च की है, तो सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ एक चिपसेट के अंदर फर्क किया गया है। Y33S जो ऑलरेडी अवेलेबल था वो भी 40,000 रुपये की प्राइस के अंदर था, 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट, और Y33T को भी 40,000 रुपये की प्राइस के अंदर ही लॉन्च किया गया है, ये भी 8GB 128GB रोम का वेरिएंट है, 8GB के साथ आपको 5GB एक्सपेंडेबल मेमोरी भी मिलने वाली है, यहाँ पे भी आपको 6.5 इंचेस का डिस्प्ले मिलने वाला है फुल HD प्लस, यहाँ पे भी IPS LCD पैनल होगा फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। जो मेन चेंजेस की गई हैं वो चिपसेट के अंदर की गई हैं, Y33S के अंदर MediaTek Helio G80 की चिपसेट मिलती थी, जबकि Y33T के अंदर स्नैपड्रैगन 680 को यूज़ किया गया है। स्नैपड्रैगन 680 इस टाइम पे ऐसी चिपसेट बनी हुई है, तकरीबन तमाम ब्रांड्स की तरफ से जो भी नई डिवाइस आ रही है उसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 680 देखने को मिलता है, 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस बेस करता है, इसी चीज़ को हाईलाइट करते हुए आई थिंक बल्क में अवेलेबल है, इसलिए तमाम ब्रांड्स अपनी नई डिवाइसेस के अंदर इसको यूज़ कर रहे हैं। बाकी तमाम चीज़ें सेम हैं, यहाँ पे भी 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और इसके साथ 5000 mAh की बैटरी, 18W की फास्ट चार्जिंग के साथ, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, प्राइस भी सेम है, सिर्फ चिपसेट को चेंज करके नए मॉडल के नाम से लॉन्च कर दिया गया है। इसके अलावा ग्लोबली बात करें तो OnePlus Nord CE2 Lite की भी कुछ स्पेक्स लीक हुई हैं, 5G डिवाइस आ रही है ये भी, यहाँ पे 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल होगा 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ, यहाँ पे भी स्नैपड्रैगन 695 को यूज़ किया गया है जो कि 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस बेस करता है, 2 वेरिएंट्स होंगे 6GB 128GB और 8GB 128GB रोम का वेरिएंट, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का मोनो और LED फ्लैश के साथ आपको मिलने वाला है कैमरा, बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा फ्रंट पर मिलने वाला है, ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम 11 होगा, 5000 mAh की बैटरी, 33W की फास्ट चार्जिंग के साथ, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। तो स्पेसिफिकेशंस तो अच्छी लग रही हैं, और सबसे जो अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो स्नैपड्रैगन 695 है जो कि 5G चिपसेट है, और देखते हैं पाकिस्तान में कब आती है। तो पाकिस्तान में OnePlus की डिवाइसेस कम ही आती हैं या लेट आती हैं। तो ये थी अभी तक की कुछ लेटेस्ट टेक न्यूज़, वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।